हे वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज अपना बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले लेक्चर में अपन डिफरेंशिएशन समझे थे, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। आज अपन डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मेमोराइज करना, ठीक है। चलो सिंपल सिंपल अपन फॉर्मूला देखते हैं जो कि ज़्यादातर यूज में आता है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, ओके। चलो देखो डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएशन समझे थे क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर होने वाला चेंज। जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं डी वाई अपन डी एक्स, ये लिखने का तरीका है डिफरेंशिएशन में। वाई कोई फंक्शन है, वाई क्या है, वाई इज द फंक्शन ऑफ, सपोज यहाँ पर अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तभी हम डी वाई बाई डी एक्स लिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ वाई में चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। और इसका मतलब एक और होता है कि स्लोप ऑफ द वाई वर्सेज एक्स ग्राफ, वाई और एक्स का जो ग्राफ बनेगा उसका जो स्लोप होगा उसका मीनिंग होता है डीवाई अपन डीएक्स, मतलब डिफरेंशिएशन का मीनिंग, ठीक है। चलो तो आज अपन ये फंक्शन अलग अलग तरह का फंक्शन लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर फॉर्मूला देखेंगे। उसमें पहला है, अगर हमको वाई इक्वल टू दिया हुआ है कोई सम कॉन्स्टेंट के, कोई कॉन्स्टेंट के यहाँ पे क्या है, के क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, के यहाँ पे ध्यान रखना, के हम लिखेंगे जहाँ पे वहाँ पे कॉन्स्टेंट मान के चलना है। तो इस केस में डी वाई अपन डी एक्स होगा, डी वाई अपन डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। कॉन्स्टेंट का चेंज, कॉन्स्टेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला है, कॉन्स्टेंट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। चलो तो पहला ये हो गया। दूसरा है अगर वाई इक्वल टू हमें दिया हुआ है एक्स पावर एन, तो इस केस में डी वाई अपन डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, एन बाहर आ जाएगा, एन एक्स बराबर एन माइनस वन, ठीक है, ये हो गया। चलो जैसे उसके बाद है, नेक्स्ट है, चलो वाई इक्वल टू ई पर पावर एक्स, ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इस केस में डी वाई अपन डी एक्स होगा वो क्या होगा, ई पावर एक्स ही होगा, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x की होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, अगर y इक्वल टू हमें दिया हुआ है ln x, y इक्वल क्या दिया हुआ है, ln x, इस केस में dy अपन dx जो होता है, dy अपन dx होता है वो होता है 1 अपन में x, क्या होता है, 1 अपन x, ठीक है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर y इक्वल टू हमें दिया हुआ है साइन एक्स, वाई कुछ क्या दिया हुआ है, साइन एक्स, ये क्या फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, ये क्या है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, इस केस में क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स होगा, डी वाई अपन डी एक्स होगा वो क्या होगा, कॉस एक्स। अच्छा एक चीज, यहाँ पे जो एल एन एक्स लिखे इसका मीनिंग समझ लेते हैं, एल एन का मीनिंग क्या होता है, ध्यान दो। आपने लॉग समझा होगा, लॉग पढ़ा होगा या फिर देखा होगा, चलो इसको पढ़ेंगे अपन, लॉग जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे सिंपल अगर लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब लेके चलते हैं यहाँ पे बेस में क्या है, 10 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 10। जैसे लॉग एक्स का मतलब हुआ ये, इसको अपन सिंपली लॉग एक्स भी लिखते हैं, लॉग एक्स, लॉग बेस 10 को हम लॉग एक्स लिखते हैं। वहीं पर अगर लॉग बेस में अगर ई ले लेते हैं, ठीक है, यही ई जो एक्सपोनेंशियल में ई लेते हैं ना, वही यहाँ पे अगर ई ले लेते हैं तब यहाँ पर एक्स लिखते हैं, यहाँ पे ई पावर एक्स नहीं है, ये लॉग बेस ई है, बेस ई एक्स है, इस केस में इसको अपन बोलते हैं एल एन एक्स, क्या बोलते हैं, एल एन एक्स। तो एल एन एक्स का मीनिंग क्या होगा, लॉग बेस ई एक्स, ठीक है, लॉग बेस ई एक्स। अच्छा ध्यान दो, अगर हम लॉग बेस ई एक्स को, लॉग बेस ई एक्स है, ठीक है, लॉग बेस ई एक्स है, इसको अपन हम, इसको अगर अपन लॉग एक्स में कन्वर्ट करते हैं, लॉग बेस 10x में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तब यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग एक्स, ठीक है। या फिर अगर हमको लॉग, लॉग एक्स लिखा हुआ है, लॉग एक्स को अगर हम एल एन एक्स में कन्वर्ट करते हैं, लॉग एक्स को अगर हम अपन एल एन एक्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, लॉग एक्स बोले तो लॉग बेस 10, लॉग सिंपली अगर जनरल लॉग एक्स, लॉग एक्स, लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस 10 है, वो अंडरस्टूड है, लॉग बेस 10, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं एल एन में, तो क्या होगा, 1 अपन 2.303, ठीक है, एल एन एक्स, ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो
ये है ln x का मतलब, ठीक है। और log और ln अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, उसको log बेस e को ln x बोलते हैं अपन, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे क्या पढ़े थे अपन, y इक्वल टू अगर sin x है तो dy अपन dx क्या होगा, cos x। अब देखो अगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू cos x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, dy अपन dx जो लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin x, मतलब sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x और cos x का माइनस ऑफ sin x, ठीक है। चलो उसके बाद अगर हमको y इक्वल टू दिया हुआ है 10x, y इक्वल टू 10x, उस केस में dy अपन dx जो होगा वो होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है। चलो उसके बाद है cot x, इस केस में dy अपन dx जो होगा, dy अपन dx जो होगा वो क्या होगा, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। मतलब इतना हमें यूज में आने वाला है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में, आरएसएन में ये कुछ फॉर्मूलाज है, इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। चलो उसके बाद कुछ नोट्स है उसको ध्यान रखो, नोट क्या है, पहला नोट है देखो अगर हमको y दिया हुआ है दो फंक्शन का एडिशन f1 प्लस f2, ठीक है, जैसे मान लो हमको दिया y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, दो फंक्शन एक ये और ये दोनों ऐड है यहाँ पे, इस केस में क्या निकालेंगे, इस केस में कैसे निकालेंगे, dy अपन dx, dy अपन dx से निकालेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को सेपरेटली हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में और दोनों को ऐड कर देंगे df2 अपन में dx, कोई दिक्कत। चलो सिंपली वैसे ही अगर हमको सेकेंड है, अगर y इक्वल टू दिया हुआ है f1 माइनस f2, दो फंक्शन f1 माइनस f2 दिया हुआ है, इस केस में dy अपन dx जो निकालेंगे वो क्या होगा, d f1 अपन में dx माइनस ऑफ d f2 अपन में dx, कोई दिक्कत। चलो थर्ड है, थर्ड नोट है, अगर मान लो हमको y इक्वल दिया हुआ है f1 डॉट f2, मतलब मल्टीप्लीकेशन में f1 इंटू f2 दिया हुआ है, इस केस में dy अपन dx जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो क्या करेंगे, एक तो क्या रहेगा मेरा f1 को कॉमन ऐसे रहेंगे एज इट इज रखेंगे और d f2 अपन dx लिख देंगे, ठीक है, और प्लस कर देंगे यहाँ पे और फिर f2 को एज इट इज रखेंगे और d f1 अपन डी सॉरी एक्स, ठीक है, अपन में डी एक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत, सिंपल है। अब देखो फोर्थ है, अगर हमको वाई इक्वल टू एफ वन अपन एफ टू दिया हो, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स जो लिखेंगे वो क्या होगा, अब ध्यान दो एफ टू को ऊपर रखेंगे, डी एफ वन अपन डी एक्स लिखेंगे, ठीक है, माइनस लिखेंगे डी, अब देखो f1 को ऐसे रखेंगे डी f2 अपन dx लिखेंगे और अपन में f2 जो नीचे है डिफ्रेंशिएशन में, मतलब सॉरी डिनोमिनेटर में, उसको अपन स्क्वायर करेंगे डी f2 का, मतलब कि f2 का होल स्क्वायर, f2 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो उसके बाद है, नेक्स्ट है फोर्थ, फिफ्थ, इसको ध्यान रखो y इक्वल टू अगर दिया हमको 1 अपन f, ठीक है, इन्वर्स में दिया हुआ है, तो ऐसे सिंपली इसको पावर माइनस करके हम कर सकते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखना और अच्छा बात है, dy अपन dx, इस केस में dy अपन dx जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, माइनस ऑफ df अपन dx अपन में f का स्क्वायर, ठीक है, माइनस df अपन dx f का स्क्वायर, ठीक है अपन में। चलो ये देख लिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना ध्यान रखना है, इसका कोई प्रूफ नीड नहीं है, ठीक है, वो मैथ्स में अपन पढ़ते हैं, बस यहाँ पे ध्यान रखना है इतना फॉर्मूला, ठीक है, ये इसमें से कुछ कुछ चीजें हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हर एक चैप्टर में यूज माने वाला, ठीक है। चलो इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लियरेंस आ जाएगा और क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन, फाइंड डी वाई अपन डी एक्स, हमको डी वाई अपन डी एक्स पता करना है, ठीक है। चलो हमको यहाँ पे अलग अलग इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब कि फंक्शन दिया हुआ है, इसे y इक्वल टू सिंपल हमको x दे दिया, ठीक है। सेकेंड है y इक्वल टू दे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अर्थ में थर्ड है y इक्वल टू वन अपन एक्स, ठीक है। फोर्थ है y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। फिफ्थ है y इक्वल टू वन अपन रूट एक्स, सिक्स्थ है y इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे k क्या है, कॉन्स्टेंट है, k यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलो सेवेंथ दिया है यहाँ पे y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू दिया हुआ है थ्री ई पावर x, नाइन्थ है y इक्वल टू थ्री लॉग बेस ई एक्स, y इक्वल टू लॉग बेस टेन एक्स, एलेवेंथ है y इक्वल टू फोर एल एन एक्स। चलो इतना कर लेते हैं अपन, फिर आगे करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो करो आप इसको, ठीक है, जल्दी जल्दी। अब देखो y इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, यहाँ हमको डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, x है तो डी एक्स, y की जगह पे x रखेंगे, डी एफ अपन x क्या हो गया, सिंपल वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर अपन डी एक्स, y की जगह पे x रखेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे तो क्या होगा, टू एक्स, सिंपल है, और दो में से गया एक पावर। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये x है, पावर ऊपर जाएगा माइनस वन अपन में डी एक्स, तो क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस ऑफ वन, माइनस ऑफ वन एक्स पावर माइनस वन माइनस वन, तो क्या हो गया, माइनस एक्स पावर माइनस टू, मतलब कि माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे दिया हुआ है डी रूट एक्स अपन डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स पावर वन बाय टू अपन डी एक्स, क्या होगा, वन बाय टू एक्स पावर वन बाय टू माइनस वन, तो क्या होगा, वन बाय टू एक्स पावर माइनस हाफ, मतलब क्या हुआ, हाफ रूट एक्स, वन अपन रूट एक्स, क्योंकि माइनस है नीचे आएगा रूट एक्स, कोई दिक्कत। चलो अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको क्या रखेंगे, डी रूट एक्स है ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स पावर माइनस में वन बाय टू हो जाएगा, कोई दिक्कत, अपन में डी एक्स, तो क्या होगा ये माइनस वन बाय टू, ठीक है, एक्स पावर माइनस वन बाय टू माइनस वन, तो माइनस वन बाय टू एक्स पावर दो एकम दो एक तीन माइनस तीन बटे दो, मतलब कि माइनस, ठीक है, वन अपन टू एक्स पावर थ्री बाय टू, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट है y इक्वल टू के एक्स, के कोई कांस्टेंट है, इस केस में क्या होता है, अगर हम dy अपन dx निकालते हैं, यहाँ पे dy अपन dx निकालते हैं डी के एक्स अपन डी एक्स, तो कांस्टेंट अगर कोफिशियंट के फॉर्म में हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, इस कोफिशियंट को अपन बाहर निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं एज इट इज, तो क्या होगा यहाँ पे के डी एक्स अपन डी एक्स, और एक्स का वन होता है, सिंपल यहाँ पे की हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमको लिखना है, यहाँ पे देखो यहाँ भी क्या है,
थ्री कॉन्स्टेंट है, तो डी वाई अपन डी एक्स निकाल लेंगे यहाँ पे, तो थ्री क्या होगा इस केस में, थ्री क्या होगा यहाँ पे होगा डी थ्री एक्स स्क्वायर अपन डी एक्स अगर निकालते हैं तो क्या होगा, थ्री को हम बाहर निकाल लेंगे और डी एक्स स्क्वायर अपन में डी एक्स लिख देंगे। अब देखो थ्री डॉट टू एक्स पावर वन, तो क्या होगा यहाँ पे सिक्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस केस में वही होगा, यहाँ क्या है डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे, यहाँ पे देखो डी थ्री ई पावर एक्स अपन डी एक्स, तो क्या होगा थ्री का बाहर निकालेंगे, थ्री डॉट डी ई पावर एक्स अपन में डी एक्स, बताओ ई पावर एक्स का बताया था अभी क्या होता है फॉर्मूला में, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, यहाँ क्या होगा थ्री ई पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वाई को तो थ्री लॉग ई पावर एक्स है, इस केस में क्या होगा लॉग ई, लॉग बेस ई का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई को हम क्या लिखते हैं एल एन एक्स, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे हमको डी थ्री एल एन एक्स अपन डी एक्स, तो क्या होगा थ्री कोफिशियंट में कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, ठीक है डी एल एन एक्स अपन डी एक्स, ठीक है अपन में डी एक्स एल एन एक्स क्या था वन ओपन एक्स, थ्री इंटू वन ओपन एक्स मतलब थ्री ओपन एक्स, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत। लॉग बेस टेन है, अब बताओ लॉग बेस टेन का कोई फॉर्मूला तो पड़े नहीं, तो लॉग बेस टेन को लॉग बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो लॉग बेस टेन को क्या कर देते हैं, तो यहाँ पे लॉग बेस टेन है इसे क्या लिखेंगे वन अपन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एल एन एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो लिखेंगे डी ठीक है वह अपन डी एक्स जो लिखेंगे वो क्या आएगा, अब ध्यान दो इसमें ये क्या है ये वाला कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा वन अपन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री, ये तो बाहर आ गया डी एल एन एक्स अपन डी एक्स, एल एन एक्स क्या होता है वन अपन एक्स, ये क्या हो जाएगा वन अपन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एक्स, ठीक है ये हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब है वाई क्वेश्चन टू फोर एल एन एक्स, यहाँ पे क्या होगा डी वाई अपन डी एक्स निकालेंगे और फोर क्या है कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा फोर डी एल एन एक्स अपन में डी एक्स, एल एन एक्स का वन अपन एक्स, तो क्या हो जाएगा फोर इंटू वन अपन एक्स मतलब फोर बाय एक्स, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो नेक्स्ट है चेन रूल, डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेन रूल, ये क्या होता है जैसे मान लो हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज अ फंक्शन ऑफ मान लो u दिया हुआ है, u कोई है ठीक है u के फंक्शन में y दिया हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ u और u खुद भी एक फंक्शन है, u जो है u खुद भी एक फंक्शन है x का, u खुद भी एक फंक्शन है x का, u इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, इस केस में dy अपन dx क्या रहेगा, मान लो dy अपन dx निकालेंगे ठीक है, dy अपन du नहीं dy अपन dx निकालेंगे, तो क्या होगा इस केस में अपन लगाएंगे चेन रूल, क्या लगाएंगे चेन रूल। अब देखो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है इस केस में जो अपन dy अपन dx निकालेंगे ठीक है वो क्या होगा, ठीक है वो क्या होगा df अपन du, डी वाई अपन डी यू करके गुना कर देंगे डी यू अपन डी एक्स से, डी यू अपन डी एक्स से, आरसी में डी यू अपन डी एक्स से, इसको अपन बोलते हैं चेन रूल ठीक है। इस पर अपन अभी एग्जांपल करेंगे उससे समझ में आएगा अच्छा से ठीक है। चलो जैसे देखो जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे देखो क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ठीक है साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो ये खुद एक फंक्शन है, ये खुद एक फंक्शन है और ये पूरा पूरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है ही, तो यहाँ पे हम लेट मान लेते हैं ठीक है लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम u इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिए कोई दिक्कत, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लिए, तो इस केस में क्या होगा
हमको डी वाई अपन डी एक्स निकालना है, तो क्या होगा, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, इसको पूरा को, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अपन निकाल लो पहले डी, ठीक है, साइन यू अपन, ठीक है, डी यू क्या होगा, कॉस यू, क्या होगा, कॉस यू, और डी यू अपन डी एक्स, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माने हैं, ये क्या होगा, टू एक्स, क्या होगा, टू एक्स है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगा, डी वाई अपन डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस यू इंटू टू एक्स, और यू की जगह पे पुट कर दो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, ये हो गया आंसर, कोई दिक्कत, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, ये हो गया वाई इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर का मतलब डिफरेंशिएशन, टू एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट है, मान लो हमको दिया हुआ है वाई इक्वल टू ए कॉस एक्स, हमको दिया हुआ है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, क्या दिया हुआ है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओमेगा क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ओमेगा क्या है, यहाँ पे ओमेगा ए और ओमेगा ये दोनों क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो हमको डी वाई अपन डी टी पूछा है क्या होगा, ये क्या होगा, अब देखो इस पूरा को थीटा मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, आरस में, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डी थीटा मान लिए, तो क्या होगा, डी ए साइन थीटा अपन में डी थीटा, और यहाँ पे थीटा माने क्या, थीटा माने ओमेगा टी को थीटा माने हैं, तो डी थीटा अपन डी टी, डी थीटा अपन डी टी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा टी का तो क्या होगा, टी का तो वन होगा, ओमेगा इंटू वन मतलब कि ओमेगा, ठीक है, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे डी अपन डी टी निकालेंगे तो क्या होगा, डी अपन डी वाई अपन डी टी निकालेंगे क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, डी वाई अपन डी थीटा इंटू डी थीटा अपन डी टी, ठीक है, ये क्या होगा, डी वाई अपन डी थीटा कितना निकाले हम, ये तो है डी वाई अपन डी थीटा, ये क्या है, डी वाई अपन डी थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा, ये कितना होगा, ए साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा, तो क्या होगा यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू ओमेगा, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, अच्छा ये ए भी तो है कॉन्स्टेंट बार, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, तो क्या हो गया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको जब फिजिक्स में आप जब एसएसएम पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये आएगा, ध्यान दो, इसको अलग अलग करके अपन कर लिए हैं, ठीक है, इसको अलग डिफरेंशिएट किए और इसको यहाँ पुट कर दिए, ठीक है, आर एस में, तो यहाँ पे डी वाई अपन डी टी क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी का ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है, कोई दिक्कत, चलो एल एन साइन एक्स, बोलो एल एन साइन एक्स, अब ध्यान दो साइन एक्स को हम लेट साइन एक्स इक्वल टू यू मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे डी वाई अपन डी यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे वन अपन यू, हमसे पूछ क्या रहा है डी वाई अपन और यहाँ पे यू और डी यू अपन डी एक्स, डी यू अपन डी एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स, हमसे क्या पूछ रहा है
डी वाई अपन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, डी वाई अपन डी यू, ठीक है, इंटू डी यू अपन डी एक्स। बोलो डी वाई अपन डी यू क्या होगा, डी वाई अपन डी यू वन अपन यू, वन अपन यू इंटू कॉस एक्स, वन अपन यू किसको माने, साइन एक्स को, यू किसको माना, साइन एक्स को, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स अपन में साइन एक्स, मतलब कितना हो गया कॉट एक्स, कोई दिक्कत। चलो मतलब दो फंक्शन अगर दिया हो, ठीक है, एक कोई फंक्शन है किसी फंक्शन में दिया हुआ और वो खुद में एक फंक्शन है, तो उसको अपन चेन रूल से अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है, चेन रूल। वाई कोई फंक्शन है, वाई तो फंक्शन ऑफ यू, और यू खुद भी एक फंक्शन है, यू खुद भी एक फंक्शन है, तो इसको अपन ये करेंगे, इस करेंगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और कुछ कुछ पोर्शन डिफरेंशिएशन, कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। इसको आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना क्लियरेंस आएगा, उतना परफेक्ट बनोगे आप। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।